लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद अब सरकार पर से सस्पेंस हट गया है। देश में फिर एक बार मोदी सरकार पर मुहर लग गई है। एनडीए की बैठक में स्पष्ट कर दिया गया कि लगातार तीसरी बार उनकी सरकार बनेगी। माना जा रहा है कि शनिवार यानी 8 जून को पीएम मोदी शपथ लेंगे और प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कई पड़ोसी देश भी शामिल होंगे। इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंका और बांग्लादेश सहित कई पड़ोसी देशों के नेता आमंत्रित किए जाएंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने लोकसभा चुनाव में 293 सीटें जीती है, भाजपा की हैट्रिक जीत है। इसके बाद मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। सूत्रों ने बताया कि नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किए जाने वाले विदेशी नेताओं में बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मॉरिशस के शीर्ष नेता शामिल हो सकते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति के कार्यालय के मीडिया प्रभाग ने बताया कि मोदी ने उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया है। उसने कहा कि निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने मोदी को चुनावी जीत की फोन कर बधाई भी दी है। मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी फोन पर बातचीत की और सूत्रों ने बताया कि फोन पर बातचीत के दौरान मोदी ने हसीना को अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।